हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप भी सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहें। एक दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि जिस तरीके से इसमें जो इंजन ऑयल है, बिल्कुल इंजन ऑयल आपको जैसे पता है कि इंजन ऑयल मेनली गाड़ी की लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ठीक। गाड़ी में रोटेट जब होता है तो आप डेढ़ डेढ़ महीने तक अगर गाड़ी खड़ी हुई है तो इंजन ऑयल तो सेटल हो जाता है गाड़ी इंजन में नीचे, और इंजन में लुब्रिकेशन हो नहीं रही है। तो उससे क्या मैकेनिकल फॉल्ट ऐसा आ सकता है या नहीं आ सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैकेनिकल कोई फॉल्ट आए। और स्टार्ट कर ही लो आप, 15-20 दिन में स्टार्ट कर लो गाड़ी। अगर डेढ़ महीना कर लिए तो भी ऐसा कोई उसमें दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं इंजन में, क्योंकि सारी अब फ्यूचर बदल गए हैं गाड़ियों का। ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्लग भी नहीं खोल सकते हो आप इसका। प्लग भी ऐसा होता है कि पहले लोग प्लग खोल के साफ कर लेते, आप कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने ये सारा सेंसर प्रोवाइडर हो गया अब तो, अब इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी बीच बीच में गाड़ी स्टार्ट कर लो, आप ड्राइव कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे काफी व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि जिस तरीके से गाड़ी एक ही पोजीशन में एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो महीने तक खड़ी रहती है, तो गाड़ी का सारा वेट चार पहियों के एक पॉइंट पे आ जाता है, तो उसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं। तो उससे टायर पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? टायर की एज कम होती है या? क्योंकि नेट पे काफी व्यूअर्स ने हमसे ये पूछा है कि नेट पे तो काफी सोल्यूशन ये दे रखा है कि अगर वो ब्लैक स्पॉट आ जाता है तो गाड़ी का टायर चेंज कराना ही पड़ता है, तो ऐसा कुछ है या नहीं है? नहीं, देखिए क्या होता है कि गाड़ी का चारों एक पॉइंट पे आ रहा है, एक पॉइंट पे नहीं आनी चाहिए क्योंकि वेट पड़ जाता है। तो कभी गाड़ी भी खड़ी करते हैं आप तो कभी ढलान पे होती है, कभी चढ़ाई पे होती है, कभी एक गड्ढे में होती है, एक टायर उठा हुआ होता है, तो उस पर इनबैलेंस होता है। तो 2-4-5 दिन रात भर समझ में आता है, कंटिन्यू 2 महीने मत खड़ा कीजिए आप। अगर खड़ी कर रखे हैं तो उसमें चारों टायर में हवा प्रॉपर होनी चाहिए, जितनी होती है 40%, 35% वो होनी चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस उस गाड़ी में लोड नहीं होना चाहिए, तो उस वजह से थोड़ा सा ऐसा कुछ है नहीं खास। ठीक है, बस दैट्स ऑल।